हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ इंश्योरेंस नॉलेज। तो मैं वर्षा आज आप लोगों के साथ फिर से आपको काफी इंश्योरेंस के बारे में अपडेट बताना चाहती हूँ, क्योंकि काफी सारे अपडेट्स आए हैं। और सबसे पहले माफी चाहूंगी कि मेरी वीडियोस जो हैं अब काफी टाइम में आया है, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड काफी चीजें अपडेटेड हो गई हैं। बहुत सारे आईआरडीए ने नए रूल्स निकाले हैं, नई गाइडलाइंस निकाली हैं। अभी लास्ट अक्टूबर में आपका हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड नई गाइडलाइंस लॉन्च करी थी आईआरडीए ने, और अब जो है आईआरडीए ने टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड और एक्सीडेंटल प्लान से रिलेटेड भी न्यू गाइडलाइंस लॉन्च कर दी हैं। तो उसके बारे में भी अपडेट मैं आपको दूंगी, नई वीडियोस में बताऊंगी। प्लस आज जो हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉइंट्स में बताना चाहूंगी आप लोगों को, जैसे कि फर्स्ट पहले मार्केट में टोटल 52 कंपनीज थी, जिनमें से आपका 24 कंपनीज आप लाइफ इंश्योरेंस में डील करती थी और 28 कंपनीज जनरल इंश्योरेंस में डील करती थी। टोटल कंपनीज हैं ये बढ़ चुकी हैं, और ये टोटल कंपनीज अब 52 से बढ़कर 58 हो गई हैं। जिस 34 कंपनीज है जो जनरल इंश्योरेंस में डील करती हैं, और 24 कंपनीज हैं जो लाइफ इंश्योरेंस में डील करती हैं। तो ये कुछ चेंजेस आ गए हैं। एक नया रूल निकाला है, मींस एक नई गाइडलाइन निकाली है कि अगर हेल्थ कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी क्लेम होता है, कोविड-19 से रिलेटेड किसी भी चीज का क्लेम होता है, तो कंपनीज वो क्लेम डिक्लाइन नहीं कर सकती। कंपनी को एनी हाउ वो क्लेम पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो ये कस्टमर के फेवर में बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया गया है आईआरडीए के तरफ से। मैं बताना चाहूंगी कि जब से कोविड आया है, कोविड के बाद से आईआरडीए के जितने भी रूल्स निकले हैं या आईआरडीए ने जितने भी फैसले लिए हैं, सारे के सारे कस्टमर के फेवर में ही है, इंश्योरेंस के फेवर में ही है, कंपनी के फेवर में बहुत रेयर है। मोस्टली ये सारे जो नई गाइडलाइंस आई है वो सब कस्टमर के फेवर। अभी तक किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बाय करी है, तो प्लीज अब आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि अभी लास्ट मैं आपको बता देती हूँ कि जिन्होंने जुलाई से पहले पॉलिसी, मतलब जुलाई 2020 से पहले जिन्होंने पॉलिसी बाय कर ली थी, और जुलाई 2020 के बाद जिसने पॉलिसी बाय किया है, प्रीमियम में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा गया है, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा चेंज हुआ है सितंबर में अक्टूबर में। कंपनीज ने बहुत अराउंड आईआरडीए के अकॉर्डिंग जो प्रीमियम बढ़ना था वो 10-50% के बीच में बढ़ना था, बट वही कंपनियों ने 10% ना करके कंपनियों ने कम से कम 25-30%, 40% प्रीमियम बढ़ाया था सभी कंपनीज ने। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने एक्चुअली अपने ब्रदर की फैमिली के लिए पॉलिसी बाय करी थी, जो मैंने जून के स्टार्टिंग में बाय करी थी, जो यंग स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का यंग स्टार प्लान बाय किया था, जिसका मैंने प्रीमियम पे किया था अराउंड 11,000 समथिंग। सेम वही पॉलिसी मैंने अभी दिसंबर में बाय करी है अपने फैमिली रिलेटिव्स किसी के लिए, और उनका जो मैंने प्रीमियम पे किया है वो 12,000 समथिंग का पे किया है, अराउंड 1,000 रुपए इंक्रीज हो गया था प्रीमियम, ठीक है। सेम एज, सेम फैमिली साइज, सबको सेम था, लेकिन 1,000 रुपए प्रीमियम जो है वो बढ़ा है इसीलिए। और अभी नया एक और दोबारा से गाइडलाइन आई है आईआरडीए की तरफ से कि 1 अप्रैल के बाद से फिर से 5-10% के अप्रोक्स प्रीमियम जो है इंक्रीज होगा मार्केट में हेल्थ इंश्योरेंस। और ये अभी बिकॉज आप सभी जानते हैं कि कोविड के बाद जो है हेल्थ इंश्योरेंस में डिमांड्स बहुत बढ़ गई हैं, राइट, कस्टमर्स की, क्योंकि कस्टमर्स को ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, एक इम्पॉर्टेंट टूल हो गया है ये, तो कस्टमर्स को बहुत जरूरी, मतलब कस्टमर्स की बहुत नीड बढ़ गई है इससे रिलेटेड। तो इसीलिए आईआरडीए के अकॉर्डिंग प्रीमियम जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ मैं बता देती हूँ आपको, आईआरडीए ने अनाउंस किया है, जो काफी कस्टमर्स ऐसे थे, जो मेरे पास भी काफी कस्टमर्स मैसेज करते थे, और काफी ऐसे कस्टमर्स थे जिनको काफी जिनको कई ऐसी तरह की प्री मेडिकल हिस्ट्री होती थी, जिनको हम पॉलिसी प्रोवाइड नहीं कर सकते, यानी कोई भी कंपनी पॉलिसी प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसी ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती थी। हेल्थ इंश्योरेंस में आईआरडीए ने अनाउंसमेंट करी है कि अब से जिसको पहले प्री मेडिकल हिस्ट्री थी, काफी ऐसे पेशेंट थे जिनको काफी अलग अलग तरह की बीमारी थी, जिन पे पॉलिसीज इश्यू नहीं होती थी, जैसे हार्ट से रिलेटेड बीमारी, कैंसर से रिलेटेड, या और भी कई मेजर इश्यूज होते थे जिन पे पॉलिसी इश्यूज नहीं होती थी, तो उन सभी के लिए ये खुशखबरी है
उन सभी के लिए एक गुड न्यूज है कि अब कंपनी में हर कंपनी में एक नया प्लान लॉन्च किया जाएगा या प्लान्स के अंदर एक पॉइंट्स प्लान के अंदर जो है उनको पॉलिसी दी जाएगी, ठीक है, जिनको भी कोई मेडिकल हिस्ट्री थी। हालांकि आप लोगों को फेस करना पड़ सकता है कोई को पेमेंट या फिर कोई आपका जैसे वेटिंग पीरियड्स वगैरह आपको फेस करने पड़ सकते हैं, बट ये एक गुड न्यूज है कि आप लोगों को भी जो है पॉलिसी अब प्रोवाइड हो सकती है। और इसके बारे में कि कौन सी कंपनी अब कौन सा प्लान दे रही है, क्या है, ये जैसे ही अपडेट आता है मेरे पास, मैं आपको जो है जल्द से जल्द एक न्यू वीडियो बना के उसमें सारी कंपैरिजन वगैरह मैं आपको शो जरूर करूंगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे। आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किस किस पॉइंट से रिलेटेड या किस किस कंपनी से रिलेटेड आपको दिक्कतें आ रही हैं या फेस इश्यू कर रहे हैं आप, या कोई अगर अपडेट चाहिए होगी या आपका कोई भी क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस, तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।